वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग दोस्तों RRB ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में, जो कि हमारी RRB पटना दोस्तों यहां पर की कट ऑफ होने वाली है। दोस्तों यहां पर हमें इससे पहले आपसे करूंगा गुजारिश कि चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ RRB ग्रुप डी पटना के दोस्तों कट ऑफ के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि RRB पटना में दोस्तों इस बार हमारा 2018 में क्या हुआ है, टोटल फॉर्म कितने आए हुए हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी कितनी हुई हैं और हमारा यहाँ पर कंपटीशन लेवल क्या है। देखिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले RRB पटना के बारे में कि कितने फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं। देखिए आपको ये आंकड़ा दिख रहा होगा 13,50,000 लगभग यहाँ पर फॉर्म आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इतने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग टोटल वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर कुल कितनी वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं 2018 में, तो यहाँ पर 5981 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसका रेशो देखेंगे या फिर कंपटीशन लेवल देखेंगे कि यहाँ पर एक पोस्ट पर कितना यहाँ पर हमारा कंपटीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 13,50,000 में 5981 का दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 225 यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन लेवल दोस्तों आने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इतने बच्चों ने यहाँ पर इन 225 में से दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आएगी, ठीक है, 225 पर एक पोस्ट आएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर कंपटीशन कितना है दोस्तों, यहाँ पर तैयारी करने वाले लोग बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों पटना बिहार का एक प्रसिद्ध ही आपको पता है बोर्ड है और यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया में सबसे अच्छी तैयारी दोस्तों रेलवे की पटना और इलाहाबाद और दिल्ली में ही दोस्तों की जाती है और उससे सबसे पहले नंबर पटना का आता है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके बारे में कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। दोस्तों ये हमारा कट ऑफ का दोस्तों ये हमारा RRB ग्रुप डी दोस्तों पटना का यहाँ पर कट ऑफ होगा 2018 का, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो मैंने मार्क्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे मार्क्स आने चाहिए आपके जो नॉर्मलाइजेशन होना है उससे पहले का मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। माने कि आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपने इतने क्वेश्चन तो सही आपके होने चाहिए, ठीक है, फिर आपका दोस्तों फ़ायदा होने वाला है किससे, नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरल वालों की तो हमारे दोस्तों जनरल की यहाँ पर कट ऑफ होने वाली है 58 से 62 के बीच यहाँ पर रहने वाली है जनरल वालों की, ठीक है। एक कट ऑफ रहेगी आपकी जो कि आपके मार्क्स होंगे ओरिजिनल मार्क्स, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के पहले का यही कट ऑफ है, बाद का कट ऑफ नहीं है, सॉरी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे OBC में, तो OBC में हमारा चंगवन से आपके 58 मार्क्स सही होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं SC की, तो 48 से यहाँ पर 52 मार्क्स आपके होने चाहिए SC वालों की, और ST वालों की यहाँ पर 45 से दोस्तों अधिक मार्क्स हैं तो वो इसमें फाइट कर सकते हैं इस कट ऑफ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपके अगर टफ शिफ्ट है तो आपका मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है, किससे, वो भी आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में आपके यहाँ पर 55 नंबर आए हैं, ठीक है, और आपका दोस्तों जो शिफ्ट है दोस्तों वो हार्ड है, ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 55 से दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। यही है दोस्तों आपको चाहिए, ये है 62 तो आपको चाहिए, तो नॉर्मल आपका 10 हो गया 70, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे मान लीजिए किसी की यहाँ पर 50 मार्क्स आए OBC के और उसको फ़ायदा हो गया नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, तो मान लीजिए उसके 10 नंबर बढ़े अगर तो उसके 60 नंबर यहाँ पर आ गए तो वो भी दोस्तों कट ऑफ के अंदर आ गया है, ठीक है, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कि दोस्तों आपके जो मार्क्स जो मैंने बताए हैं ये हमारे फ़ायदा होगा इससे, जो कि मैं मार्क्स बताए हैं दोस्तों कट ऑफ बताई है आपको, ये हमारा पहले का कट ऑफ है, ठीक है, जो कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे उससे पहले का कट ऑफ है और आपको फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका आपको फंदा पता है कि वो अजीब गरीब इसका फ़ायदा होता है। किसी किसी की मार्क्स दोस्तों NTPC हमारे जो ELP और टेक्नीशियन में 30-30 मार्क्स थे, ठीक है, 30-30 किसी के 29 किसी के 31 उनके मार्क्स डायरेक्ट 50 हो गए, ठीक है, किसी के 48 किसी के 49 किसी के 50 हो गए, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर यहाँ भी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये हमारी कटअप कितनी पसंद आई, आप लोग यहाँ पर लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। अगर भी दोस्तों हमसे कहीं गलती हुई है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर बताइएगा कमेंट करके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।